Hello students, today we are going to start the last exercise of this chapter trigonometry जो कि बहुत interesting है, okay? और इसमें ये identities हमें follow करनी है, clear? तो we have these three identities और इन तीन identities से और बाकी identities बनती हैं इनकी shifting करने के लिए, ठीक है? Shifting करने के बाद दो दो identities और बनेंगे, basically we have nine in total, okay? बट जो बेसिक है वो ये तीन है, क्लियर? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन, एंड कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन। अब इसको याद करने का तरीका क्या है? साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर तो ये बहुत बेसिक है, ये बहुत ईजी है, आपके जुबान पर चढ़ जाएगी, ठीक है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन, ओके। इसको ऐसे याद रखना, सेक टेन प्राइमिंग बन रहा है, सेक टेन, और ये कोको, ठीक है? कोसेक कॉट, क्लियर हो रहा है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये तो बहुत बेसिक है, बहुत ज्यादा यूज होगी इसलिए ये आपको याद रहेगी, ठीक है? यहाँ पर क्या है, सेक टेन प्राइमिंग और ये कोको कोसेक कॉट, क्लियर है? अगर आपको ये तीन लर्न है तो बाकी की जो है वो आप ऐसे चुटकियों में कर लेंगे। कैसे? देखो, समझते हैं भाई, यहां से साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या निकलेगी? साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन माइनस cos square theta positive इधर जाके negative हो जाएगा, और cos square theta की value क्या आएगी? 1 minus sin square theta। तो basically हमने क्या किया? Shifting ये तो किया बस, ठीक है? Okay, now इसमें क्या करेंगे? sec square theta is equal to 1 plus tan square theta, okay? And tan square theta, अगर मैं इस tan को यहाँ ले जाऊँ तो ये positive हो जाएगा, तो tan square theta क्या हो जाएगा? sec square theta, ये इधर आ जाएगा minus 1। तो sec square theta minus 1, ओके। इसके लिए क्या करूं? cosec square theta is equal to 1 plus cot square theta, ठीक है? और cot square theta इधर ले जाता हूं, 1 को यहां ले जाता हूं, तो हो जाएगा cot square theta equal to 1 यहां पर आ गया, cosec square theta minus 1, क्लियर? तो ये आइडेंटिटीज इस एक्सरसाइज में यूज होनी है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको लर्न कौन कितनी करनी है इसमें से? एक, दो और तीन, क्लियर है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन, सेक टेन सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन, कोको कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन, क्लियर हुआ? इसी तरीके से इनको याद कर लीजिएगा आप, क्लियर? ओके, नाउ वी आर टेकिंग द एक्सरसाइज। मैं आपको एक एक टाइप का एक एक क्वेश्चन करा दूंगा, उसके बाद फाइनल जो क्वेश्चन है, जहां से 100% क्वेश्चन आते हैं, वो है प्रूविंग वाले, ठीक है? ओके, एग्जाम में 100% क्वेश्चन होंगे प्रूविंग के, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो, बोर्ड्स के एग्जाम हो या फिर आपके इंटरनल एग्जाम्स हो, ठीक है? ओके, नाउ एक्सरसाइज 8.4, क्लियर? अब एक ये ना नया तरीके का क्वेश्चन है, बट स्टार्टिंग और कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो है इसके पुराने वाले हैं। तो अब जैसे मैंने आपको बताया था अपनी पुरानी वीडियो में, कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे, पिछली वाली सारी एक्सरसाइज जो है वो आगे मर्ज होती चली जाएंगी। तो अब हम क्योंकि फाइनल एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो पिछली वाली पूरी जितनी भी एक्सरसाइजेज हैं वो सब यहाँ पे मर्ज हो जाएंगी, क्लियर है? ओके, नाउ फर्स्ट क्वेश्चन इज, एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज साइन ए sec a tan a in terms of cot a, clear? मतलब मुझे sin a, ठीक है, cos a, sorry, sec a and tan a को, इन तीनों को cot a की terms में represent करना है, clear है जी? कोई doubt नहीं है, आगे बढ़ते हैं। बहुत सिंपल है, बहुत ही ज्यादा सिंपल है। देखो, सबसे पहले बेसिक चीज क्या, कि भाई अपना ना एक ट्रायंगल बना लो, ओके, राइट एंगल ट्रायंगल। अब क्योंकि ए हमारा थीटा है, तो मैं ए को ही ना ले लेता हूं, ठीक है, फॉर माय कन्वीनियंस। बी और सी कहीं भी हो सकते हैं, क्लियर? तो अकॉर्डिंग टू दिस, ये हमारा बेस है, ये हमारा परपेंडिकुलर है,
और ये हमारा हाइपो हाइपोटेन्यूज, ठीक है। ओके नाउ रेशियो ऑफ कॉट क्या होगा, पंडित बद्री प्रसाद अपॉन हर हर भोले सोना चांदी तोले। ओके तो वी नो दैट कॉट ए इज बेसिकली इनवर्स ऑफ टेन ए, ठीक है। कॉट थीटा जो है वो टेन थीटा का इनवर्स है, ठीक है। तो टेन थीटा का रेशियो क्या है, पी बाई बी, तो कॉट का क्या हो जाएगा, बी बाई पी। क्लियर हुआ, तो कॉट क्या हो जाएगा, बी बाई पी। और बेस क्या है, यहां पर बेस इज ए बी एंड परपेंडिकुलर इज बी सी। क्लियर हुआ, तो अब मेरे पास जो वैल्यू है वो है कॉट ए इज इक्वल टू ए बी बाय बी सी। क्लियर, ओके। मैं इसके नीचे वन लिख सकता हूं क्योंकि इसके नीचे कुछ भी नहीं है, ठीक। ओके नाउ अब देखो ये क्वेश्चन दो तरीके से हो सकता है। एक तो हो सकता है कि मैं यहां पर के से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूं, ठीक है, कॉन्स्टेंट लेकर चलूं और वही के मैं आगे तक लेकर जाऊं और बाद में उस के को कैंसिल कर दूं, ठीक है। ओके नाउ और दूसरा तरीका क्या है कि मैं इसको एज इट इज लेकर चलूं, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, एज इट इज लेकर चलते हैं, आप के वाला भी मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो अब ए बी जो है अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन ए बी की जो वैल्यू है वो है कॉट ए, ठीक है। ए बी इज कॉट ए, ओके, एंड बी सी इज वन, बी सी इज वन, ठीक है। तो मेरे पास दो साइड्स हैं, पाइथागोरस लगा के मैं तीसरी साइड निकाल सकता हूं, ये है। ओके नाउ इसको रख कर देते हैं, ओके यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ओके तो पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलती है, बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर, एनी डाउट। ओके अब बी सी स्क्वायर क्या है, बी सी स्क्वायर इज वन प्लस ए बी स्क्वायर इज कॉट स्क्वायर एंड ए सी इज अननोन। ओके तो वन प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर, अभी स्क्वायर हटा देता हूं मैं, अब जब मैं स्क्वायर हटाऊंगा तो रूट चढ़ेगा इधर, तो ये क्या हो जाएगा, वन प्लस कॉट स्क्वायर ए अंडर रूट इज इक्वल टू ए सी। क्लियर हुआ, तो मेरे पास ए सी की जो वैल्यू आई है वो क्या आ गई, अंडर रूट वन प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो यहां पर क्या हो जाएगा, अंडर रूट वन प्लस कॉट स्क्वायर ए। क्लियर है, समझ आ गया। देखो अब ये जो क्वेश्चन है ना, पिछले वाली जो एक्सरसाइज थी, पिछले वाली एक्सरसाइज, उससे कैसे रिलेट करता है, उसमें भी हम क्या कर रहे थे, दो हमारे पास साइड्स गिवन थी, तीसरी हम निकाल रहे थे पाइथागोरस थ्योरम लगा के, और उसके बाद जो भी टी रेशियो आपको निकालना होता था वो निकाल रहे थे, वही कर रहे थे ना 1.1 में। ओके तो नाउ अब हमारे पास तीनों साइड्स हैं, ठीक है। ये जो भी मैं लिख रहा हूं सब कुछ आपको इस क्वेश्चन में मेंशन करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। ओके नाउ अब ये क्वेश्चन खत्म हो गया, क्योंकि हमें तो तीन साइड्स ही थी, अब वो मुझे जितने भी रेशियो लिखने के लिए बोलेगा मैं लिख सकता हूं। ओके ये क्या था हमारा, परपेंडिकुलर। ओके नाउ साइन ए, साइन ए, साइन इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो, परपेंडिकुलर इज बी सी एंड हाइपो इज ए सी, ठीक है। तो साइन ए क्या हो जाएगा, बी सी इज वन एंड हाइपो इज वन प्लस कॉट स्क्वायर। ओके तो ये फर्स्ट वाला हमारा क्लियर हो गया, है ना। अब सेकंड देख लेते हैं, सेके, सेके क्या होगा, सेके क्या होता है, कॉस का इनवर्स होता है, इसका मतलब हाइपो अपॉन बेस, हाइपो इज वन प्लस कॉट स्क्वायर एंड बेस इज कॉट ए। क्लियर, तो ये भी हो गया। नेक्स्ट इज टेन ए, टेन क्या होता है, कॉट का उल्टा होता है, मतलब बेस बाय परपेंडिकुलर। इसको लिखने से पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि भाई देखो
हमें इन सब को cot के टर्म्स में लिखना है, तो 10 का ऑलरेडी इनवर्स cot होता है ना। तो यहां पर जो वैल्यू है वो हमारी 1 बाय cot थीटा ही आनी चाहिए। अब देखो कैसे, बेस क्या है, यहां तो बस गए, बेस इज सॉरी मैंने उल्टा लिख दिया है ना, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर इज BC एंड बेस इज AB, तो BC इज 1 एंड AB इज cot A। देखा, tan थीटा इज इक्वल टू 1 बाय cot थीटा आ गया, क्लियर है ना। इसका मतलब हमारी जो कैलकुलेशन है वो बिल्कुल करेक्ट है। ओके, अब इसमें जो k की k एज अ कांस्टेंट लेकर चल सकते थे, तो यहां पर हर जगह पर k आ जाता बस आपके पास, क्लियर है। तो फाइनली k और k कैंसिल हो जाता है, ठीक है। तो आंसर आपका यही आना है, एनी डाउट? ओके, नो प्रॉब्लम, नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर चले। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो भी ऑलमोस्ट वही है जो मैंने अभी आपको कराया है। ओके, उसमें भी क्या है कि अभी जैसे हमारे 3 टी रेशो निकालने के लिए बोले थे, क्वेश्चन नंबर जो सेकेंड है उसमें बाकी सारे जो बचे वो सारे टी रेशो निकालने के लिए बोले, तो उसमें कोई ऐसी टेंशन नहीं है, बहुत सिंपल है। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 इज दिस। अब इसमें क्या है, इसमें आइडेंटिटीज हमें पुट करनी है, ठीक है। अब आइडेंटिटी जो हमने पढ़ी थी वो क्या था, sin square theta plus cos square theta is equal to 1, है ना। तो यहां पर मैं sin square theta plus cos square theta नहीं लगा पाऊंगा कब तक, जब तक मैं उसको इसको उस आइडेंटिटी की फॉर्म में ना लेकर आऊं, ठीक है। तो पहले मुझे इसको फॉर्म में लाना पड़ेगा। अब देखो 63 + 27 90 बन रहा है, तो दोनों में से किसी एक को चेंज कर दो, मैंने आपको बताया था अपनी पिछली वीडियो में। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर 63 प्लस इसको मैं लिख सकता हूं साइन स्क्वायर 90 - 63, लिख सकता हूं ना, 90 - 63 जो है वो 27 होता है, ठीक है। ओके, अब नीचे इसको चेंज कर देते हैं, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर 90 - 73 प्लस कॉस स्क्वायर 73, एनी डाउट? ओके, तो अब देखो यहां पर ये एज इट इज आएगा, साइन स्क्वायर 63 प्लस साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, लास्ट एक्सरसाइज। ओके, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, थीटा इज 63। ओके, यहां पर क्या कॉस 90 माइनस थीटा, दैट इज साइन थीटा, साइन थीटा प्लस कॉस स्क्वायर 73। ऐसा हमने क्यों किया, एक तो हमको वो आइडेंटिटी की फॉर्म में लाना था, दूसरा ये थीटा इक्वल होना चाहिए, अगर ये थीटा इक्वल नहीं है तो वो आइडेंटिटी फॉर्म बनेगी ही नहीं, क्लियर है। ओके, तो नाउ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1, तो हमारा आंसर क्या आ गया, 1, दैट्स इट, खत्म, यही था बहुत इजी। इसी तरीके से क्वेश्चन करना है। ओके, तो आप इसको भी लिख लीजिए, इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे प्रूविंग वाले क्वेश्चंस, ठीक है। आपकी जो बैक, आपकी जो लास्ट एक्सरसाइज है उसमें 10 प्रूविंग वाले क्वेश्चंस हैं, तो उसमें से जो इंपॉर्टेंट हैं कुछ वो मैं आपको कराऊंगा और बाकी आप लोग खुद कर पाएंगे, ठीक है। ओके, इसको उतार लीजिए। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 5 का सेकेंड पार्ट। अब सेकेंड पार्ट क्या है, कॉस थीटा, देखो उसमें वहां पर जो तुम्हारी एनसीईआरटी है उसमें थीटा की जगह ए है, तो मैंने ए बी सी यूज करना थोड़ा ठीक नहीं समझा, मैं थीटा यूज कर रहा हूँ जनरलाइज। ओके, सो कॉस थीटा प्लस अपॉन 1 प्लस साइन थीटा प्लस 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इक्वल टू 2 sec थीटा। तो बेसिकली हमें क्या प्रूफ करना है, एल एच एस इक्वल टू आर एच एस। ओके, नाउ अब इसके ना कुछ कुछ बने बनाए ना पैटर्न है इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के। तो जो पैटर्न बहुत आसान है सॉल्व करने का वो क्या है, कि सबसे पहला काम आपका क्या होगा कि आप देखो कि कहां पर भीड़ ज्यादा है, LHS या RHS, कहां पर भीड़ ज्यादा है, जहां पर नंबर टी रेशियो बहुत सारे हैं, तो यहां पर क्या है, LHS। ओके, तो हमेशा स्टार्टिंग कहां से करनी है, मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम्स आप स्टार्टिंग कहां से करोगे, जहां पर भीड़ ज्यादा होगी, ठीक है, जो क्राउडेड एरिया होगा। ओके, अब क्राउडेड एरिया का क्या है, ये वाला, क्लियर है। ओके, तो अब ये फिक्स हो गया कि LHS से हमें स्टार्ट करना है, ठीक है। अच्छा, पॉइंट नंबर 2, अगर वो साइन और कॉस की टर्म्स में नहीं है, ठीक है, तो ट्राई करो कि वो साइन और कॉस की टर्म्स में आ जाए, ठीक है, पहले उसको साइन और कॉस की टर्म्स में आपको डिराइव करें, चेंज करें,
उसके बाद फिर उसको आगे एलसीएम वगैरह लेकर आप उसको सॉल्व करें, क्लियर। तो 90% केसेस में ये वाला जो तरीका है वो अप्लाई हो जाता है कि भाई आप उसको साइन और कॉस के टर्म्स में चेंज कर रहे हैं और वो सॉल्व हो गया, क्लियर है। तो उससे क्या होता है, क्वेश्चन ईजी हो जाता है, ठीक है। तो यहां पर ना दिमाग बहुत ज्यादा लगाना है आपको, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि आपने जहां से स्टार्टिंग की है और आपने अगर कोई स्टेप गलत कर दिया तो वापस वहीं पहुंच जाएंगे जहां से आपने स्टार्टिंग की है, क्लियर हो रहा है। ओके, ऐसे ही ये ट्रिग्नोमेट्री दिमाग हिलाने वाली नहीं है, ओके। आर्यभट्ट ने जो इसकी डिस्कवरी की थी, क्लियर। ओके चलिए खैर स्टार्ट करते हैं। नाउ टेकिंग एलएचएस, अभी हमें sec थीटा 2 sec थीटा से कोई लेना देना नहीं, ठीक है, सॉरी। ओके नाउ एलएचएस, अब मेरे पास ये है तो ये ऑलरेडी कॉस और साइन के टर्म्स में है तो मुझे यहां पर कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है। अब सिंपल मैं क्या करूंगा, एलसीएम लूंगा और सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। तो मैं इसका एलसीएम अगर लेता हूं तो हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा मल्टीप्लाइड बाय कॉस थीटा, दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस। ओके अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में दिस इज मल्टीप्लाइड बाय दिस, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ये पूरा इससे मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा होल स्क्वायर, क्लियर हो रहा है। सिंपल एलसीएम लिया और कुछ भी नहीं किया इसमें। ओके नाउ अगर मैं इसका ब्रैकेट ओपन करता हूं तो याद रखना ये 1 स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा नहीं, ये a प्लस बी की a प्लस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगनी है यहां पर। ओके तो ये क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी, 1 मल्टीप्लाई किया तो खत्म हो गया। ओके नाउ ये एज इट इज छोड़ देते हैं हम अभी। ओके अब देखो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, मैं इसको क्या कर सकता हूं, मैं इसकी जगह चेंज कर सकता हूं तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है भाई, जब प्लस में ही है नंबर तो उसकी जगह चेंज कर दो, कोई टेंशन थोड़ी है। ओके तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा आइडेंटिटी बन रही है जो कि है 1। ओके तो मैं इसकी जगह पर लिख सकता हूं 1 प्लस 2 साइन थीटा। ओके ये हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, जो डिनोमिनेटर है वो ऐसे चल रहा है अभी, उसमें हमने कुछ नहीं किया। ओके नाउ अब क्या होगा, 1 प्लस 1 2 हो गया, 2 प्लस 2 साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ओके ऊपर से देखो 2 कॉमन आ रहा है तो यहां क्या रह गया, 1 प्लस साइन थीटा, जब 2 कॉमन ले लिया तो 1 प्लस साइन थीटा रह गया, नीचे 1 प्लस साइन थीटा है हमारे पास एंड मल्टीप्लाइड बाय कॉस थीटा, तो 1 प्लस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा गेट कैंसिल। ओके क्या रह गया मेरे पास, 2 अपॉन कॉस थीटा। ओके अब 2 अपॉन कॉस थीटा को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं ना, 1 अपॉन कॉस थीटा, तो 1 बाय कॉस थीटा किसका किसकी फॉर्म है, sec थीटा, तो ये क्या हो जाएगा 2 sec थीटा, प्रूफ भी तो ये करना था। ओके हेंस LHS इज इक्वल टू RHS, क्लियर हुआ, इस तरीके से करना, देखो कितना सिंपल है। ओके क्लियर, देख लीजिए इसको। ओके नाउ थर्ड पार्ट ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ओके अब इसको करने के भी 2 तरीके हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि पहले देखो क्राउडेड एरिया कौन सा है, तो क्राउडेड एरिया कौन सा है, अगेन LHS, ठीक है। तो LHS से हम स्टार्ट करेंगे, पैटर्न नंबर 2 क्या है कि अगर वो साइन कॉस के टर्म्स में नहीं है तो साइन कॉस के टर्म्स में ले आइए, क्लियर। अब आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ है हिंट करके कि राइट द एक्सप्रेशंस इन टर्म्स ऑफ साइन थीटा एंड कॉस थीटा, तो एक तरीका तो ये है कि हम साइन और कॉस के टर्म्स में इसको ले आए, एक तरीका ये है कि भाई हम साइन और कॉस के टर्म्स में ना लेकर आए फिर सॉल्व कर लें, ठीक है। तो मैं आपको बता रहा हूं दूसरा मेथड जिसमें हम साइन कॉस के टर्म्स में नहीं लेकर आएंगे, क्योंकि इन केस अगर उसने ऐसा कोई हिंट नहीं दिया तो आपको नहीं पता चलेगा, तो आप जरूरी नहीं है कि वही मेथड यूज करें, तो हम सेकंड मेथड भी कर लेते हैं, ठीक है। फर्स्ट मेथड में आपको बता दूंगा आगे कभी जरूरत पड़ी तो। ओके नाउ वी आर टेकिंग LHS। ओके अब LHS क्या है हमारा, tan थीटा, अब मैं इसको
10 की टर्म्स में लिख देता हूं, तो ये 1 प्लस 10 थीटा हो जाएगा, प्लस अगेन कॉट थीटा को भी मैं 10 की टर्म्स में लिख देता हूं, तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस 10 थीटा। कोई प्रॉब्लम? अभी तक मैंने सिर्फ क्या किया, कॉट थीटा को 10 की टर्म्स में लिखा हुआ है। ओके, अब ये पूरा का पूरा होमोजीनियस हो गया, सारे के सारे 10 की टर्म्स में ही है, 10 ही है यहां पर। ओके, तो अब हम इसका एलसीएम वगैरह लेना शुरू कर देते हैं। ओके, तो ये तो हो जाएगा 10 थीटा, यहां एलसीएम लेंगे तो 10 थीटा नीचे आ जाएगा और ऊपर क्या हो जाएगा 10 थीटा माइनस 1, जब आप वही 1 से मल्टीप्लाई कर दिया 10 थीटा तो यहां आ गया 1 × 1, ये आ गया, प्लस ये जो है ऊपर भेजेंगे तो 10 थीटा 1 माइनस 10 थीटा हो जाएगा। क्लियर? ओके भाई, इसके नीचे वाला है, आप इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा इससे, 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा इससे, तो यही फॉर्म आ जाएगी ना। क्लियर? तो इसमें कंफ्यूज होने वाली कोई जरूरत नहीं है। अच्छा, ये ऊपर चला जाएगा 10 थीटा जो है ऊपर चला जाएगा, तो मैं यही लिख देता हूं, ये क्या बना देगा इसको 10 स्क्वायर थीटा। क्लियर? कोई डाउट? आगे बढ़े। ओके, नाउ अब देखो यहां पर है 10 थीटा माइनस 1 और यहां पर है 1 माइनस 10 थीटा, तो हम क्या करते हैं इन दोनों को सिमिलर कर देते हैं। अब सिमिलर कैसे करेंगे, माइनस 1 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे, इसको भी माइनस 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको भी माइनस 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब इसको हम माइनस से, मैं आपको बता रहा हूं, अगर यहां पर ऑलरेडी माइनस मतलब 1 है, अगर मैंने माइनस 1 से इसको मल्टीप्लाई किया और इसको माइनस 1 से मल्टीप्लाई किया तो इस फ्रैक्शन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ऊपर और नीचे दोनों को मैंने माइनस 1 से मल्टीप्लाई किया। ठीक है, अब होगा क्या कि ये जो माइनस है ये इससे भी मल्टीप्लाई होगा और इससे भी मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, जब ये माइनस इससे मल्टीप्लाई होगा तो इसको तो बना देगा नेगेटिव और इसको बना देगा पॉजिटिव और खुद हट जाएगा, हमें यही चाहिए था। ठीक है, तो अब मैं इसको रिवर्स करके लिख देता हूं बस, तो ये क्या बन गया हमारे पास 10 थीटा माइनस 1। क्लियर है? और ऊपर क्या रह गया, ऊपर रह गया माइनस 1, इस माइनस की वजह से ये साइन चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस और इसको हम हटा देंगे। समझ आया पूरा का पूरा एक्सप्रेशन क्या क्या हुआ यहां पर, बहुत कुछ हो गया यहां पर। ठीक है, तो जिसको नहीं समझ आया ना एक बार वीडियो को रिपीट करके देख लेना। ठीक है, ओके नाउ अब देखो, अब ये होमोजीनियस, अब ये सिमिलर हो गए 10 थीटा माइनस 1, 10 थीटा माइनस 1। अब हमारे लिए ना एलसीएम लेना इजी हो जाएगा, ये स्टेप हमने इसलिए किया। क्लियर है? ओके, नाउ एलसीएम क्या आ गया हमारा 10 थीटा माइनस 1। ओके, तो यहां से 10 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा क्योंकि ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 10 क्यूब थीटा माइनस 1, ये पूरा का पूरा यहां है तो यहां पर 1 रहेगा, तो मैं इसका भी क्यूब लगा देता हूं, कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा, 1 की कोई भी पावर 1 से 1 ही आता है। ओके, अब देखो ये ऊपर जो है ना ये आइडेंटिटी बन रही है ए क्यूब माइनस बी क्यूब की। क्लियर हो रहा है? अब ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है वो भी समझ लेते हैं। ए क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल टू ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये आइडेंटिटी होती है। क्लियर है? ओके, तो अब ये आइडेंटिटी हम यहां ऊपर पुट कर देते हैं। ठीक है, तो जब ये ऊपर पुट करेंगे तो क्या बनेगा 10 थीटा माइनस 1, यहां बचेगा 10 स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस 10 थीटा। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। क्लियर है? ओके, नाउ नीचे क्या चल रहा है, नीचे हमारा 10 थीटा मल्टीप्लाइड बाय 10 थीटा माइनस 1। ठीक है, इससे ये पूरा का पूरा कैंसिल हो गया। क्लियर? अब मेरे पास क्या रह गया 10 स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस 10 थीटा अपॉन 10 थीटा। 10 थीटा को बाइफरकेट कर दो, बाइफरकेट करने से क्या होगा, चलो क्या होगा वो देखते हैं, पहले बाइफरकेट कर देते हैं। तो बाइफरकेशन क्या होगा मैं आपको यहीं से बता रहा हूं। ठीक है, ये मैंने 10 थीटा 10 थीटा 10 थीटा। क्लियर? ये होता है बाइफरकेशन, मतलब एलसीएम को सबको दे दो, बांट दो सबको। ओके, तो इससे क्या होगा, देखो ये स्क्वायर तो ये कैंसिल हो गया, इससे ये पूरा कैंसिल हो गया, तो बचा क्या मेरे पास
tan theta plus cot theta plus 1. 1 को हम आगे लिख लेते हैं, क्यों? क्योंकि हमारा जो आंसर है उसमें 1 आ गया, ठीक है, 1 हमने आगे लिख दिया, तो मैं इसी में लिख देता हूं। चलो ये हो गया 1 plus tan theta plus cot theta, 1 upon tan theta cot theta होता है, ओके। अब मुझे इसको कुछ नहीं करना, क्योंकि 1 तो मेरे पास आ गया, मुझे इनको चेंज करना है किसमें, sec theta into cot cosec theta में, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, अब इनको मैं साइन और कॉस के टर्म्स में चेंज कर लूंगा। जो मैं काम सबसे पहले कर रहा था ना, अब वो मुझे लास्ट स्टेप पे आके करना पड़ रहा है, क्लियर हो रहा है? इससे क्या हुआ कि क्वेश्चन की जो लेंथ है ना वो छोटी हो गई, इस वजह से मैंने ये मेथड चूज किया। अगर मैं यहाँ पर साइन कॉस कर लेता तो मे बी ये जो क्वेश्चन है इसमें 2-3 स्टेप और एड हो जाते, तो उसमें आपका टाइम थोड़ा ज्यादा चला जाता, क्लियर हो रही है बात? तो ये टेन थीटा क्या होता है, साइन थीटा बाय कॉस थीटा, साइन थीटा बाय कॉस थीटा, और कॉट थीटा क्या होता है, cos theta upon sin theta, clear? अब आप इसका LCM ले लीजिए, LCM लेंगे तो क्या हो जाएगा, cos theta into sin theta, और sin theta into sin theta क्या हो जाएगा, sin square theta plus cos theta into cos theta क्या हो जाएगा, cos square theta। तो अगेन देखो आइडेंटिटी बन गई, sin square theta plus cos square theta equal to 1, ठीक है, तो 1 upon cos theta into sin theta, बात समझ आ गई? अब देखो 1 अपॉन कॉस थीटा क्या होता है, sec थीटा, 1 अपॉन sin थीटा क्या होता है, cosec थीटा, ओके। तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस sec थीटा इनटू cosec थीटा, यही हमारा RHS था। तो क्या हो गया, LHS इक्वल टू RHS, समझाया, क्लियर हुआ? सिंपल है, ठीक है, आराम आराम से करेंगे तो आराम से आंसर तक पहुंच जाएंगे, क्लियर है? लिख लीजिए इसको। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, ओके। अब देखो क्या है यहां पर, कि ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है कि ये कई बार बोर्ड्स में भी आया है, और जो हम क्वेश्चन पेपर बनाते हैं वो हम उसमें भी देते हैं, ठीक है। तो अब समझने वाली बात क्या है यहां पर, कि ये क्वेश्चन ऑलरेडी साइन कॉस में है और हमें किसमें लेकर आना है, कोसेक कॉट में, तो हम इसको यहीं पर कोशिश करेंगे कि कोसेक और कॉट यहां पर हमें मिल जाए, उसके बाद हम इसको आगे बढ़ाएं, और एक स्टेज ऐसी आएगी कि ये क्वेश्चन खत्म हो जाएगा, ऐसा लगेगा कि खत्म हो गया है, तो स्टूडेंट वहां छोड़ देते हैं, ठीक है, बट वो उससे भी आगे जाता है, इसीलिए 4 मार्कर क्वेश्चन है, क्लियर? ओके, नाउ क्राउडेड एरिया इज LHS, मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है, ठीक है, तो हम यहीं से स्टार्ट करेंगे। तो अब देखो कॉस साइन एंड 1, ठीक है, अब यहां पर हमें देखना क्या है कि कोसेक और कॉट कैसे मिलेगा, कोसेक कैसे मिल सकता है, अगर मैं 1 को साइन से डिवाइड कर दूं तो 1 अपॉन साइन इज कोसेक, साइन अपॉन साइन इज, कोई बात नहीं, जरूरत नहीं है, कॉस अपॉन साइन इज कॉट, तो मुझे दोनों मिल जाएंगे अगर मैं साइन से डिवाइड कर दूं, क्लियर हो रहा है? अब अगर मैं ऊपर साइन से डिवाइड करूंगा तो नीचे भी करना पड़ेगा, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, मैं बाइफरकेशन वाली फॉर्म में ही लिख रहा हूं, ठीक है, साइन थीटा प्लस 1 अपॉन साइन थीटा, ठीक है, अपॉन कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, साइन थीटा अपॉन साइन थीटा एंड साइन थीटा, एनी प्रॉब्लम? अब क्या करना है, जो जो कैंसिल हो रहा है वो कैंसिल कर दो, ठीक है, ऐसा मत कर देना गलती से कि इसको इससे कैंसिल आउट कर दिया, नहीं वो गलत है, आउट ऑफ द रूल है वो, ठीक है, ओके। नाउ कॉस अपॉन साइन इज कॉट, माइनस 1 प्लस कोसेक, ओके, नीचे कॉट थीटा प्लस 1 माइनस कोसेक थीटा, क्लियर है? 1 को हम एंड में कर देते हैं, 1 को एंड में कर देते हैं, क्या होगा, ये तो हो जाएगा प्लस कोसेक थीटा माइनस 1, और ये हो जाएगा माइनस कोसेक थीटा प्लस 1, समझ आ रहा है? तो अब हमने क्या किया, हमने इस क्वेश्चन को कन्वर्ट कर दिया कॉस और कॉट और कोसेक की टर्म्स में, ठीक है। अब देखने वाली बात ये है कि आगे क्या किया जाए, वो तो उसके फॉर्म में आ गया, अब क्या करेंगे, तो देखो अब हम करेंगे जो ये 1 है ना, 1 में हम वो वाली आइडेंटिटी लगाएंगे जो कि कॉस और कोसेक और कॉट की होती है, मैंने आपको बताया था ना, को
ठीक है, कोसाइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूं, कॉट थीटा प्लस कोसाइन थीटा, ठीक है, माइनस वन की जगह पर मैं क्या पुट कर रहा हूं, कोसाइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, क्लियर है। अपॉन डिनोमिनेटर हमें एज इट इज छोड़ देना है, इसमें हमें कुछ नहीं करना, क्लियर। यहां तक कोई डाउट? देखो हमने सिर्फ क्या किया है, बहुत सिंपल चीज की है, आइडेंटिटी पुट कर दी है वन की जगह पर, कौन सी, जिसमें कॉट और कोसेक दोनों आते हैं, दैट्स इट, ओके। तो अब देखो, अब क्या करेंगे हम, ये एज इट इज छोड़ रहे हैं, ठीक है, और ये आइडेंटिटी किसकी बन रही है, देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो अब मैं इसको इसी तरीके से लिख देता हूं, कॉट थीटा प्लस कोसेक थीटा माइनस, ये क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, ठीक है, और कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को तोड़ दिया हमने, तो क्या हो जाएगा, ए माइनस बी ए प्लस बी, सिंपल है, कुछ भी नहीं किया, ओके। और इसके नीचे कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा प्लस वन, ये एज इट इज चल रहा है, जो उसका डिनोमिनेटर है, ठीक है। अब मुझे इसको रब करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि बोर्ड में ये पूरा आएगा नहीं, छोटा बोर्ड है, ओके। तो मैं ऊपर वाला रब कर देता हूं, अगर आपको लिखना होगा तो मेरी वीडियो रिप्ले कर दीजिएगा, ठीक है, ओके। नाउ अब इसी से हम आगे बढ़ रहे हैं, अब देखो कॉट प्लस कोसेक और सॉरी कॉट प्लस कोसेक और कॉट प्लस कोसेक कॉमन है ना दोनों में, तो इसको हम बाहर निकाल लेते, तो क्या आ गया, कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा कॉमन है, तो यहां क्या बचा, देखो जब ये पूरा का पूरा हमने बाहर निकाल दिया तो यहां बचा वन, ठीक है, माइनस यहां पर क्या आ जाएगा, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, ठीक है, अपॉन डिनोमिनेटर कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा प्लस वन, कोई प्रॉब्लम, अभी तक तो सारी चीजें बड़ी सिंपल चलती हुई आई हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, अब ये वाला ब्रैकेट ओपन कर देते हैं जो अंदर वाला है, ठीक है, ये ब्रैकेट ओपन करेंगे तो मुझे क्या मिलेगा, कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, देखो जो मुझे चाहिए वो मेरे पास आ चुका है, ठीक है। अब मेरा काम क्या है कि इस पूरे को उड़ाना है, बस इस पूरे को खत्म कर देना है, एलिमिनेट कर देना है, तो कैसे करेंगे भी देखते हैं, एलिमिनेट मतलब जानबूझ करने की जबरदस्ती कर दिया, वो होना चाहिए लॉजिकली, ठीक है, लेजिटिमेटली, ओके। तो वन माइनस ये ब्रैकेट खुलेगा तो कोसेक थीटा जो पॉजिटिव था वो नेगेटिव हो जाएगा और कॉट थीटा जो नेगेटिव था वो पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। डिनोमिनेटर में आपके पास चल ही रहा है कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा प्लस वन, अब देखो वन पॉजिटिव है, कोसेक नेगेटिव है, कॉट पॉजिटिव है, इसका मतलब कि ये पूरी टर्म और ये पूरी टर्म सेम है, अब क्योंकि ये सेम है तो ये पूरी की पूरी टर्म कैंसिल आउट है, आज समझ आ गई, यही तो हमें चाहिए था कि भाई जो हमारा आंसर है वो हमें मिल गया, अब बस हमें तो बाकी जो बचा हुआ जो रेसिड्यू है उसको हटा देना है, तो कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, समझ आया, LHS is equal to RHS. फिर कोई डाउट नहीं आया तो ओके, इसी तरीके से सिंपली हम ये सारे सॉल्व कर, ठीक है, इसलिए जो बचा हुआ है। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ओके, और कई बार बोर्ड्स में आया हुआ है, हम जो क्वेश्चंस देते हैं उसमें भी हम ये क्वेश्चन जरूर देते हैं, ठीक है, ओके। तो अब देखो जहां पर क्राउडेड एरिया ज्यादा है वो कौन सा, LHS, इसका मतलब हम LHS से स्टार्टिंग करनी है, ओके। नाउ पैटर्न नंबर 2 क्या था, रूल नंबर 2 क्या था, कि भाई जो साइन कॉस में नहीं है उसको साइन कॉस में लेकर आ जाइए, जो जब हम साइन कॉस में लेकर आएंगे तो होगा क्या, कोसेक थीटा क्या हो जाएगा, 1 अपॉन साइन थीटा माइनस साइन थीटा, ओके, और ये सेक है तो इसको मैं लिख दूंगा कॉस थीटा, 1 बाय कॉस थीटा और कॉस थीटा, एनी प्रॉब्लम, ओके। अब
देखो एलसीएम, ठीक है। तो अब एलसीएम अगर मैं लूंगा तो क्या बनेगा, ये साइन थीटा, ठीक है, वन इंटू साइन थीटा वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ओके, अब करना क्या है मुझे, ये पूरा हो गया और ये हो जाएगा कॉस थीटा वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है जी, कोई प्रॉब्लम, आगे बढ़े। अब देखो वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, आइडेंटिटी से याद करो कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, और ये होता है वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा, क्लियर हुआ। तो इस कॉस से ये कॉस खत्म, इस साइन से ये खत्म, क्या आ गया कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब क्या करें भाई, अब तो कुछ बचा ही नहीं, समझ आ रहा है। तो अब क्या करेंगे, देखो अब जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे क्या होता है, वन, हमेशा याद रखना मैच में जिसका कोई नहीं है उसका कौन है, वन। ओके नाउ, अब क्योंकि नीचे वन लिख दिया है मैंने, तो अब क्या होगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब मैं इस वन की जगह पर वो आइडेंटिटी लगाऊंगा जो कि कॉस और साइन की टर्म्स की है, कौन सी है वो, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, क्लियर हो रही है बात। ओके आगे बढ़े, ठीक। अब देखो ऊपर मुझे क्या चाहिए, वन चाहिए, है ना, वन लाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, कॉस इंटू साइन को कॉस इंटू साइन से डिवाइड कर दूं मैं तो आंसर वन आ जाएगा, ठीक है। ओके, तो यहां पर क्या करेंगे हम, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा होल अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ठीक है, जो ऊपर डिवाइड किया वही नीचे भी डिवाइड करना पड़ेगा तभी तो हम उसको इक्वल कर पाएंगे, ठीक है। तो अब देखो, अब ये कॉस से कॉस कैंसिल, साइन से साइन कैंसिल, तो ऊपर तो आ गया वन, अब नीचे क्या रह गया, नीचे देखो फटाफट से बताओ, नीचे रह गया हमारा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ठीक है। अब बाइफरकेशन कर दो, बाइफरकेशन करने से क्या होगा देखते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा प्लस, ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ठीक है। तो इस कॉस से ये कॉस खत्म हो गया और इस साइन से ये एक साइन खत्म हो गया, तो क्या मिल गया मुझे, वन अपॉन कॉस अपॉन साइन कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस साइन अपॉन कॉस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, समझ आया, आ गया आंसर, दिख गया होगा आप तो, आप सभी को, है ना। तो देखो कॉस अपॉन साइन क्या है, कॉट, साइन अपॉन कॉस क्या है, टेन, ये क्या हो जाएगा, इसको मैं आगे लिख रहा हूं टेन थीटा प्लस इसको मैं पीछे लिख देता हूं कॉट थीटा, ये मेरा आंसर है, क्लियर हुआ। तो मैंने आपको ना इस एक्सरसाइज के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना वो करा दिए, ठीक है। विद दिस आवर ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर इज फिनिश्ड, ओके। और इनकेस अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो जो मेरे स्टूडेंट्स हैं वो मुझसे डायरेक्टली कॉन्टेक्ट करके पूछ सकते हैं, और जो मुझे, जो मेरे व्यूअर्स हैं जो मुझे बाहर से देख रहे हैं, ठीक है, वो आप कमेंट में लिख सकते हैं कि इस तरह ये डाउट है ये क्लियर कर दीजिएगा, या कोई और क्वेश्चन जिसका आपको डाउट, आपको समझ नहीं आता डाउट है तो वो भी आप लिख कर वहाँ पर छोड़ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई करूँगा, ठीक है। ओके क्लियर है, थैंक यू।